झारखंड अंकिता हत्याकांड को लेकर हिंदू संगठनों ने निकाला कैंडल मार्च, आत्मा की शांति, मौन धारण, हत्यारों को फांसी दिलाने की गई मांग। झारखंड अंकिता हत्याकांड को लेकर पेशावर के समस्त हिंदू संगठनों ने पुरानी नगर परिषद के पास से हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लेकर कैंडल मार्च निकालते हुए अंकिता हत्याकांड में अपराधी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। साथ ही बस स्टैंड पहुंचकर अशोक स्तंभ के पास कैंडल जलाकर बहन बेटी की आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया। हिंदू संगठन के पदाधिकारी जितेंद्र तिवारी ने संपूर्ण संगठन सहित भारत सरकार से आग्रह किया है कि लगातार जो बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है उन घटनाओं की जांच कर आरोपियों को फांसी की सजा दिलाई जाए। बलात्कारी चाहे किसी भी धर्म का हो, सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी की ही होनी चाहिए। आज बिजावर में सभी हिंदू भाइयों द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला गया है, जिसमें भारत सरकार से मांग की गई है कि झारखंड में हमारी हिंदू श्रेणी, हमारी बहन अंकिता के साथ एक मुस्लिम समुदाय के युवक ने उसको पहले लव जिहाद करने के लिए मजबूर किया, उसको शादी करने के लिए और उसको फ्रेंड बनाने के लिए मजबूर किया। जब बहन ने इनकार किया तो ऐसे दरिंदे ने उस बहन के ऊपर पेट्रोल डालकर उसको आग लगा दी, जिस कारण उसकी मौत हो गई है। हम भारत सरकार से, गृह मंत्री से मांग करते हैं कि ऐसे आरोपी को बीच चौराहे पर फांसी की सजा दें, जिससे ऐसे जो आरोपी हैं आगे ऐसी घटना ना कर सके। एवं हमारे भारत देश में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी सागर में एक घटना ऐसी हुई है, ऐसी अनेकों ऐसी घटना हो रही हैं जो बच्चियों के साथ, बहनों के साथ बलात्कार करते हैं। भाई कोई भी धर्म के हों, चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे मुस्लिम हों, कोई भी वर्ग का लोग हो, अगर भाई बहनों के साथ बलात्कार करता है तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ भारत में एक ही कानून होना चाहिए, बीच चौराहे पर इनकाउंटर और फांसी की सजा। जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा हम सभी भाई अपना संघर्ष जारी करेंगे। अपडेट मीडिया के लिए बिजावर से अमन पुष्पत की रिपोर्ट।